Assalamualaikum, welcome to Pakistan Science Club. और आज हम बनाएंगे water rocket launcher. उसको बनाने के लिए जो चीजें required हैं वो हैं a wooden base, 3 feet PVC pipe जिसका डाया 1/2 inch हो, a wooden block, bicycle tube valve, iron strips, Elfie, cementic solution, braking mechanism, T's, PVC pipe caps. सबसे पहले हम एक पाइप को 2 फिट में कट कर लेंगे और उस पर जो है बॉटल फिट करके देखेंगे. हमने 1/2 inch डाया का पाइप इस वजह से लिया है क्योंकि वो बॉटल के अंदर ईजिली फिट हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये आती है कि जब हम इसमें एयर प्रेशर देते हैं तो साइड से यहाँ पर लीकेज हो जाता है. तो उसको क्लोज करने के लिए पहले हम एक प्रॉपर मैकेनिज़म बनाएंगे. तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इस पाइप को सेंटर से हीट करेंगे. इसके लिए मैं स्प्लिट लैम्प यूज़ कर रहा हूँ और इससे ये होगा कि पाइप का जो सेंटर है वो हीट अप हो जाएगा, और हीट अप होने के बाद हम इसको दोनों एंड से दबाएंगे जिससे यहाँ पे जो है ये फूल जाएगा और उसकी वजह से इसकी जो है एयर टाइट हो जाएगा और ये लीक नहीं होगा. और इसको हीट करने के वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि हम इसको तेज़ी से रोटेट करते रहें ताकि इसका हर एंड इक्वली जो है हीट अप हो. इसको हम दोनों साइड से इस तरह से प्रेस करेंगे कि इस तरह से एक बल्क क्रिएट हो जाए. और ये इसको हमने ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि इसका शेप जो है ख़राब हो सकता है और इसका एंगल ख़राब हो सकता है. तो हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको कूल डाउन होने देंगे. हमारे पीवीसी पाइप जो है वो कूल हो गया है. अब हम इसको बॉटल फिट करके आराम से देख सकते हैं कि बॉटल्स के एंड तक जैसी आएगी तो उसका ये जो मटेरियल है एंड मटेरियल उसको जो है आगे से इसको लीक होने से रुकेगा. अब वाटर रॉकेट में प्रॉब्लम, जब हम एयर जब टाइट करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जब इसमें एयर टाइट हो जाएगी तो ये बॉटल को आगे की तरफ धकेलेगा. तो हम इसको हुक करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाएंगे और उसके लिए हम इस वुडन ब्लॉक को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर मैंने एक रेडी करके रखा हुआ है. आप देख सकते हैं कि ये इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 5 inches है और इसमें मैंने सेंटर में 1.5 inches के गैप से एक हॉलो कट किया हुआ है और पीछे से इसको जो है लाइक 3 inches ऑलमोस्ट जो है पीछे से कट किया हुआ है. अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको इस तरह से हुक करते हैं तो ये इस तरह से वर्क करेगा कि हम जब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये हटेगा और रॉकेट हमारा जो है लॉन्च हो जाएगा. यहाँ पे हमारे लॉन्चर का हुक तो कंप्लीट है, लेकिन अब इसमें इशू ये क्रिएट होगा कि जब इसमें एयर होगी तो ये बॉटल जो है इसको आगे की तरफ पुश करेगी, लाइक पुल करेगी आगे की तरफ. तो उस मैकेनिज्म को रोकने के लिए हमने एक रिंग कट कर लिया है जो कि 1/2 centimeter का है, और उसको हम पीछे की तरफ लगा देंगे और उस पर एल्फी लगा देंगे ताकि जो है ये हुक की पोजीशन को मेंटेन रखे और वो हिले ना. इस हुक को हमने इस तरह से प्लेस करना है कि नीचे के एंड से और ऊपर के एंड से जो है ये बॉर्डर कवर करे और नीचे के एंड से अपने हुक को सपोर्ट करे. तो हम इसको थोड़ा और ऊपर पुल कर गए. इसका रिंग हमने यहाँ पर फिट कर दिया है और अब हम इस पर जो हमने अपना लेवर मैकेनिज्म बनाया उसको फिट करके देखेंगे और इसको इस तरह से फिट करेंगे कि बॉटम एंड जो है नीचे से टाइट हो और जो अपर एंड है जो उसके बॉटल की नेक को लॉक करता है वो ऊपर से टाइट हो. और ये इस तरह से मूव करेगा. जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये बॉटल को छोड़ेगा और बॉटल जो है लॉन्च हो जाएगी. अब हम इस पर इलेक्ट्रिकल टेप लगाएंगे और इसको जो हमने रिंग फिक्स किया है रिंग के ऊपर से लगाएंगे. इसका बेसिक लॉन्चिंग मैकेनिज्म तो रेडी है कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो रॉकेट लॉन्च हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने डिस्टेंस से फॉर सेफ्टी पर्पस हमने डिस्टेंस से रॉकेट लॉन्च करना है तो हम उसके लिए साथ जो है बाइसाइकिल ब्रेक मैकेनिज्म अटैच कर देंगे जिससे जो है ये डिस्टेंस से भी वर्क करेगा. इसके लिए हम यहाँ पर इसको बिल्कुल कॉर्नर पर सुपर ग्लू से पेस्ट करेंगे और इसको वुडन स्टिक से टर्न करके स्टिक कर देंगे लाइक दैट. ओके, नाउ हम ट्राई करते हैं कि ये वर्क करता है नहीं. एज यू कैन सी, जैसे ही मैं इसको हल्का सा यहाँ पे प्रेस करता हूँ और ये लिवर ऊपर की तरफ मूव करता है और बॉटल को लॉन्च करता है. मेन मैकेनिज्म रेडी है. अब हम इसकी बेस बनाने के लिए जिसके थ्रू हम इसके डिफरेंट एंगल सेट करें इसके लॉन्चिंग के और बेस बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका टी वेल्व लेंगे और उसके जो है अंदर हम सीमेंटिक्स जो ग्लू है उसको उसकी वॉल्स पे अच्छे तरीके से लगाएंगे सो देयर इज़ नो लीक.
اور پھر پائپ کے جس اینڈ کو ہم نے اس کے اندر فکس کرنا ہے اس کی طرف اس کے اینڈ پہ لگائیں گے اچھی طریقے سے اور اس اینڈ کو اس طرح سے فکس کر دیں گے. اور اسی طرح ہم اس کے لیفٹ سائڈ پہ بھی یہی سیم پروسیس ریپیٹ کریں گے اور اسی طرح سے اس کا ہم لانچر جو ہے وہ باٹم سے اسٹک کریں گے. پی وی سی پائپ کے سینٹر میں ہم نے ایک ہول کر دیا ہے ایز یو کین سی. اب ہم اس پہ جو ہے سیمنٹیکس لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے اس پہ ویل فٹ کریں گے تاکہ یہ بھی جو ہے ایئر ٹائٹ ہو جائے. کیپ لگا دیں گے اور ریڈی ہونے کے بعد کچھ یہ پارٹ اس طرح سے لگے گا. اب ہمارا باٹم پارٹ آلموسٹ ریڈی ہے. اب ہم نے اس کو اس طرح سے بنانا ہے کہ ہم اس کے ڈفرینٹ اینگل سیٹ کر سکیں. اس کے لیے ہم ایک وڈن بیس کا یوز کریں گے اور اس پر اس طرح سے اس کو فکس کریں گے کہ ہم راکٹ لانچر کے راکٹ جو ہے لانچ کرنے کے ڈفرینٹ اینگل سیٹ کر سکیں. تو ہم یوزنگ سمپل آئرن اسٹرپس اور اس کو میں نے جو ہے اس طرح سے یو شیپ میں کٹ کر لیا اور آپ اس طرح سے اس کو سائڈ پہ ٹی کے اوپر رکھیں گے اور اسکروز سے یوز کر کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے. ایز یو کین سی کہ ہمارے لانچر کا باٹم پارٹ ریڈی ہے اور اس پہ میں نے اس پورے پی وی سی پائپ کو آئرن اسٹرپ کے تھرو کنیکٹ کر دیا ہے اور اس کا میکینزم یہ میکینزم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایزلی جو ہے ہم اس کو روٹیٹ کر سکیں لائک اور ڈفرینٹ اینگلس پہ سیٹ کر سکیں. ہمارا بیسک راکٹ لانچر کا میکینزم ریڈی ہے اور لیٹس سی اف اٹ ورکس. ایز یو کین سی کہ جیسے میں ٹرگر پریس کرتا ہوں بریک پہ پریس کرتا ہوں ہمارا لانچر جو ہے وہ باٹل کو ریلیز کرتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا آج کا پروجیکٹ پسند آیا ہوگا اینڈ یو مسٹ ہیو لرن کہ واٹر راکٹ لانچر کس طرح سے بنتا ہے. یو مسٹ بی گیٹنگ ریڈی فور واٹر راکٹ چیلنج 2017. سی یو دیر.